जी हाँ आज का टॉपिक है लव मैरिज माय गॉड ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज मैं शायद बहुत कम बार ही सुनता हूँ देखता हूँ मेरे देखने में भी या एक्सपीरियंस में कम आता है कि अरेंज मैरिज है ज़्यादातर लव मैरिज होते हैं और लव को अरेंज कर दिया जाता है और माता पिता आजकल बड़े आ, अच्छे हैं मान जाते हैं और लव मैरिजेस बड़ी चलन है और हो भी क्यों ना इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है कि एक लड़का एक लड़की को और लड़की एक लड़के को अच्छे से पहचान सकते हैं उनकी कोर्टशिप होती है लंबी तो वो लव मैरिज को बड़े आसानी से अंजाम दे सकते हैं मगर ये बात कितनी सही है कि लव मैरिज़ के सेपरेशन भी उतने ही फास्ट होते हैं मैं जनरल बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है लव मैरिज मतलब वो फिर इटर्नल होना चाहिए सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए जो मैरिज़ सुपरफिशियल होते हैं वो डेफ़िनेटली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं जो कि थोड़े से डिस्टर्बिंग uh, होते हैं इसीलिए मैंने ये टॉपिक पे आज हाईलाइट करने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि क्या नुआंस हो सकते हैं आप कैसे लव मैरिज में वो तीन पहलू यानी ट्राइंगल थियरी ऑफ लव मैरिज को आप कैसे समझ सकते हैं जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ चीज़ें और अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा लंबा लेके जा सकते हैं कहते हैं दोस्तों वेन यू फॉल इन लव एक्चुअली लव में गिरना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा अच्छा कहते हैं अंग्रेज़ी में कहावत है जिसका लिटरल मीनिंग है कि आप प्यार में गिर गए हो तो वेन यू यू आर फॉल इन इन लव यू बिकम ब्लाइंड तो नज़रें खोल के रखिए और वो विजन को जागरूक करने के लिए मैं आपसे ये आज का टॉपिक छेड़ रहा हूँ लव मैरिज वैन यू फॉल इन लव यू आर एक्चुअली ब्लाइंड और जब ये ब्लाइंड हो जाता है और शादी हो जाती है तो फिर ये डेफ़ डम हैंडी सब तरह से त्राही त्राही हो जाती है तो दोस्तों उजागर रहिए कॉन्शियस रहिए ये तीन तरीके शायद आपको अच्छे से परखने में एक दूसरे को मदद करे ये ना तो लड़के के विषय में कह रहा हूँ ना लड़की के विषय में कह रहा हूँ लेकिन ये मैं कह रहा हूँ जनरली जिसे आप अपना सकते हैं और अपने ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर को और अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल है आराम से किया जा सकता है तो आइए सीधा जंप करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीन ट्रायंगल क्या है जिसे मैं ट्रायंगल थ्योरी ऑफ लव मैरिज कह रहा हूँ सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी अकेले में मिलते हो तो आप कैसे हो एक लड़का और एक लड़की एक लड़की और एक लड़का शुरुआत में तो जब भी मिलते हैं तो ये डेफिनेटली एकांत में मिलना चाहते हैं अकेले में मिलना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में जब ये ऐसा सीन आ जाए कि आप अपने दोस्तों से हट के जब आप अकेले मिल रहे हो तब आपको परखना है कि वो अकेले में कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं ये पहला स्टेप हो गया दूसरा स्टेप आप एक लड़का जब लड़की के दोस्त या उनके रिलेटिव से मिलता है तो मिलना तो चाहिए जब आप आप जब एक दूसरे के साथ में कन्फेस कर चुके हो कि यू आर सीरियस यू वांट टू बी मोर देन अ फ्रेंड तो मेरे ख्याल से एक टाइम एक ऐसा भी आना चाहिए जब आप एक दूसरे के दोस्तों के साथ मिल रहे हो और वो एक क्षण ऐसा होता है कि एक लड़का लड़की के दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करता है ये लड़की की बात होती है कि उसे गौर करना और लड़के के लिए ये तीसरा स्टेप है कि लड़के के लिए लड़की कैसे बिहेव करती है उसका वैल्यू सिस्टम बिलीफ सिस्टम आ, क्या है जब वो उसके परिवार से या उसके फ्रेंड से या रिलेटिव से मिलता है तो, तो ये तीन चीज़ें बड़ी मायने रखती है कि एक व्यक्ति कैसा सोचता है उसकी सोच समझ में आती है वो लड़का हो या लड़की हो वो अपनी सोच को क्या कंसिस्टेंसी दे पा रहा है ये समझ में आता है और वो उसके बिहेवियर में समझ में आता है तो बिहेवियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक एक क्या कहते हैं एक बिगेस्ट इंडिकेटर है बिहेवियर और वो व्यवहार में कैसा है ये आपको तभी समझ में आएगा जब वो अकेले तो कैसा रहता है जब वो आ, मेरे आ, रिलेटिव के साथ रहता है तो कैसा रहता है और जब वो अपने रिलेटिव के साथ जब रहता है तो कैसे रहता है तो ये तीनों संदर्भ यदि आप अच्छे से समझ पाए और बिहेवियरल साइंस को समझ पाए तो आप एक निर्णय ले सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसा वो मेरे साथ अकेले रहता है ठीक वैसा ही है जैसा वो मेरे रिलेटिव के साथ रहता है जब वो मेरे रिलेटिव रहते हैं जब वो वैसा बर्ताव करता है वैसा ही रहता है जैसा वो जब अकेले मिलता है तो रहता है और तीसरा ये अपने रिलेटिव को जब मिलाता है तो जैसा वो उन दोनों संदर्भ में था वैसा ही तीसरे बार भी नजर आता है तो कंसिस्टेंसी चेक करने का ये इससे अच्छा और कोई तरीका है नहीं लव मैरिजेस सक्सेसफुल रहे और लंबे समय तक चले यही मेरी धारणा है इसलिए ये सोच समझ कर मेरे कई सारे सर्वे में ये पाया गया है दो में मैं देख रहा था कि लव मैरिज में से फिफ्टी लव मैरिजेस आर ब्रोकन विद इन फर्स्ट टू ईयर्स तो ये फेटल अट्रैक्शन है ये अट्रैक्शन है लव मैरिज शुड बी अ बॉन्डिंग अ बॉन्डिंग बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स एंड अ बॉन्डिंग विच विच इमर्जेस आउट फ्रॉम बिहेवियर इज द बेस्ट बॉन्डिंग यानी जब आप व्यवहार में इस, इसे व्यवहार के रूप में जब देखते हैं तो वो व्यवहार बताता है कि लड़का और लड़की कैसे है और अगर वो अच्छे हैं और एक दूसरे को भाते हैं एक दूसरे को भा चुके हैं तो मेरे ख़्याल से उनका अंडर द शेल्टर रहना या बॉन्डिंग में जाना या लव मैरिज में जाना या उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीन बातें जो मैंने आज आपको ट्राइंगल थियोरी ऑफ लव मैरिज इस पर बताई है वो आ, कारगर साबित होगी आपके जीवन में भी इसे अगर आप आ, समझ ले तो अच्छा है परख ले तो अच्छा है और कहते हैं दोस्तों कि लव इज़ ब्लाइंड बट एट द सेम टाइम द अदर सेंसेज आर देयर आपके बाकी सेंसेस uh, है जो काम कर रहे हैं तो उनको आप काम पे लाइए और अपने रिश्ते को पुख्ता बनाइए प्यार जिंदगी भर रहे यही मेरी कामना है हैप्पी लव मैरिज थैंक यू